नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अगर क्लिक करें। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। और इसी के साथ 9 सितंबर को कैबिनेट में एक और नई योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है। यानी हर गरीब बेसहारा भाई बहनों को खुद के पास इतना पैसा नहीं होता है कि एक पक्का मकान बना सके, ये सपना सभी का होता है और कुछ हद तक इसे पूरा भी किया गया है। केंद्र सरकार की योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2011 के सर्वे के आधार पर नाम जोड़े गए, उसके दोबारा आवास प्लस में नाम जोड़े गए और अब इसमें सभी भाई बहनों का आवास बन रहा है और कुछ बन भी गया है। लेकिन फिर भी कुछ गरीब व पात्र हितग्राही छूट चुके हैं, जिन्हें सही में मकान चाहिए या सच में मकान चाहिए था, जिसमें आवास योजना की जरूरत थी, उनका आवास योजना में पक्का घर बनना चाहिए था। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है, जिसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें किन किन को लाभ मिलेगा वो हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की होगी शुरुआत। आवासहीन परिवार को लाभ मिलेगा, यानी कि अगर आपने अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं लिया है और आपके पास पक्का घर नहीं है तो इस योजना के लिए आप पात्र हैं। और अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अभी तक घर नहीं बनवाया है या आपका नाम नहीं आया है तो भी आपको ना आवास मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को मिली है मंजूरी। मुख्यमंत्री स्वीकृति। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के रसोइयों को मानदेय भी दोगुना किया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, जो पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना थी, अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना में सभी वर्ग के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। भविष्य में जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि होगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। बैठक मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में संपन्न हुई है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो कि शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है कि प्रत्येक गाँव में शहरों में इसका सर्वे किया जाएगा और जो भी पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें सही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की ज़रूरत है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उन सभी से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे पंचायत के माध्यम से, ठीक है। प्रत्येक गांव शहरों में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर उन सभी की लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर फिर आपको पंचायत में आवेदन करना होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पात्र हितग्राही हैं तो आपका सर्वे में जरूर नाम आएगा और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।